नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं आजाद टीवी रायचूर। डॉक्टर मोहम्मद रियाज उद्दीन एडमिनिस्ट्रेटर भंडारी हॉस्पिटल रायचूर, इनका कहना है कि आज कन्नड़ा भवन में वर्ल्ड हैंडीकैप डे मनाया जा रहा है। इसमें पूरे डिस्ट्रिक्ट के हैंडीकैप्स मेन और वुमेन दोनों आए हुए हैं और प्रोग्राम कामयाब रहा। इस प्रोग्राम के अंदर डिस्ट्रिक्ट के जज आए हुए थे और DC आए हुए थे और पूरे म्युनिसिपैलिटी चेयरमैन और सियासतदान पूरे इस प्रोग्राम में मौजूद थे। और डॉक्टर मोहम्मद रियाज उद्दीन अपने ख्यालात का सबसे इजहार करते हैं कि आपको नाराज नहीं होना चाहिए कि मैं एक हैंडीकैप हूं बोलकर। ये सब तो अल्लाह की देन है, अल्लाह ने जैसा भी बनाया है और इस दुनिया में भेजा है उसको शुक्र अदा करना चाहिए। अदे रीति नम मार्गदर्शक हिरेतन नगरदल श्री जयनवे पाटी नरसिंहवे श्रीनिवास रेड्डी शारे मत वेदिक मेले आशीर्वाद आत्मीय स्ने मत मुझे आशीर्वाद अनवे साकु समय आगे ना पदे पदे भाषण ना मतलब नम प्रधानमंत्री नायक मोदी एर सवि हद्नाक विकलचेतन संबंध ये हेसरंग तेजी दिव्यांग अंतर को विकलचेतन दिव्यांग अंत बदलाने इवतु प्रतियोगे धैर्य बेटा विषय जो आस बदलाने आंटू वर्ष ना निम्चा बैस्ता ऐन पिवर्तन आगे हेसर पिवर्तन आदमे विकलचेतन दिव्यांग अंत हेसर बदलाने अद्विदा पिवर्तन आगे सभांगण बरबेल डॉक्टर मोहम्मद
रियाजुद्दीन, एडमिनिस्ट्रेटर वंडरा हॉस्पिटल रायचूर। आज कन्नड़ा भवन में हैंडीकैप वर्ल्ड हैंडीकैप डे मनाया जा रहा है। इसमें पूरे डिस्ट्रिक्ट के मेरे हैंडीकैप भाई बहन सब आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम कामयाब रहा। इस प्रोग्राम के अंदर डिस्ट्रिक्ट जज आए हुए थे, एडिशनल डीसी आए हुए थे और पूरे म्यूनसिपैलिटी चेयरमैन और सियासतदान पूरे इस प्रोग्राम में मौजूद थे। बहुत ही अच्छा रहा। मैं हैंडीकैप है बोलकर आप लोग नाराज़ मत हुई, अल्लाह ताला की देन है। अल्लाह ताला ने जैसा भी पैदा किया है, इस दुनिया के अंदर भेजा है, हमें शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि उसने जिस नेमत से हमको भेजा है, हमें शुक्र अदा करते हुए ज़िंदगी सही रास्ते पे गुजारेंगे तो हम जिंदगी में कामयाब रहेंगे। हम मैं हैंडीकैप हूँ, मैं उसमें नर्वस होकर हम ज़िंदगी गुजारें तो हम ज़िंदगी में कुछ हासिल नहीं कर सकते। मैं एक छोटा वाक़या भी यहाँ पे बोलना बहुत ज़रूरी समझता हूँ कि जो भी हैंडीकैप है इसको सही तवज्जो से सुने, क्योंकि विल पावर बहुत इम्पोर्टेंट होता। जैसा कि एक लड़की बॉम्बे की रोशन जहाँ बोलकर पीयूसी सेकेंड ईयर बॉम्बे में पढ़ा करते थे, जब वो जो है आप जैसा कि मालूम है बॉम्बे के ट्रेन कितनी तेज़ रफ्तार में जाते हैं, वो जो है वही ट्रेन में सफ़र हो रही थी, लोकल ट्रेन में नेक्स्ट स्टेशन उनका आने वाला था, बोलकर वो डोर के पास गई। बैड लक, बहुत ही हवा ज़्यादा होने की वजह से उनको चक्कर आकर नीचे सड़न गिर गई। गिरते ही उनके दो पैर पटरियों में आ गए, 12 बोगी उनके पैरों के ऊपर से गए। जब 10 सेकंड पहले जो पैर थे वो दो बोगी जाने के बाद वो दो पैर नीचे से घुटने के नीचे से नहीं रहे, क्या हाल होगा लड़की का। वहाँ पे चीख रही चिल्ला रही, कोई मदद के लिए कोई आने तैयार नहीं है। आखिरी में कितनी की देर के बाद कोई रेलवे वाले आए, उनके पेरेंट्स को फ़ोन किया, जब उन्होंने हॉस्पिटल को लेकर गया, जब भी उनका बैड लक, वहाँ पे डॉक्टर स्ट्राइक पे थे, जब भी उनको सही वक्त पर इलाज नहीं मिला। जब उनके वालदेन पूरे दूसरे हॉस्पिटल ले जाकर ट्रीटमेंट करवाए, बहुत नर्वस में चली गई थी वो लड़की। जब उन्होंने घर में डिस्चार्ज होकर जाने के बाद उनके पेरेंट्स, उनकी खुसूसन उनकी वालदा बहुत ही इबादत गुजार है, उन्होंने कहा कि उनके वालदा ने कहा कि रोशन जहां को बेटा अल्लाह की क्या मसलियत है नहीं मालूम, इतने बड़े हादसे से आपको ज़िंदा रखा है, अगर आगे आपको क्या करना है अल्लाह बेहतर जानता है, तुम हिम्मत रखो, तुम हिम्मत रखने से तुम ज़िंदगी में और कुछ हासिल कर सकते हैं, बोलकर हिम्मत देने पर उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी। जब जो है ये आर्टिफिशियल लिम्ब डाल लेकर फिर कॉलेज को दोबारा जाना शुरू की, जब कॉलेज के अंदर उन्होंने सेकेंड ईयर में 98% लाकर MBBS डॉक्टर बनना बल्कि बहुत ही ख्वाहिश थी, तो MBBS में उनको दाखिला मिला। फिर दाखिला मिलने के बाद जो है उनको वहाँ पे कई परेशानियाँ आ गई कि तुम जो है डिसेक्शन बॉडी को जो डिसेक्शन करते हैं तुम नहीं ठहर सकते, तो तुम इसके क्वालिफाई नहीं हो सकते, उनको रिजेक्ट किया गया क्योंकि वो 82% डिसेबल्ड थे। तो वो जो है हाईकोर्ट को जाकर फिर आर्टिफिशियल लिम्ब लाकर वही ट्रेनों में फिर के वीडियोस बना के हाईकोर्ट को प्रोड्यूस करने के बाद उनको जो है एक मौका मिला कि हाईकोर्ट ऑर्डर करी कि तुम MBBS पढ़ सकते हैं, बल्कि वो MBBS भी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, अभी MD भी करी। अल्लाह ताला उनको अच्छी सेहत से नवाजा है और उनको मैं दुआ करता हूँ। हाल में 2 महीने पहले उनकी शादी भी हुई, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी उनका सफ़र आसान रहे। मैं बोलने का वजह यही है कि हम हार कर घर में बैठने से ऐसे लोगों का हम जो क्या बोलते हैं हम सीखें, जगह ये लोग कैसे अपने आप को तैयार होकर इसे समाज के अंदर फिरने के तैयार हैं, तो हम अच्छे रहकर हाथ पर रहकर भी हम लोग नर्वस रहते हैं। अल्लाह का कभी ना शुक्र मत करिए, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने जो देना है अल्लाह ताला की ज़ात है, वो अल्लाह मालिक है, हमको अच्छे रखने की दुआ करेंगे इंशाल्लाह। बोलकर मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।